नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यस फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने के तुरंत बाद ही डकार आने स्टार्ट हो जाते हैं, भारीपन सा महसूस होता है या फिर पेट फूल जाता है, अगर ये सब हो रहा है तो आपको ये स्किप नहीं करना है। वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझेगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ कि हम डे टू डे लाइफ में कौन सी मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है, और क्या करें जिसकी वजह से इसको हम अवॉइड कर पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को शुरुआत करने से पहले, आप नए दर्शक जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। पहले हम फ्रेंड्स कारण से स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से कारणों की वजह से, रीजंस है कि इसकी वजह से हमें डकार आते हैं या फिर ऐसा भारीपन सा महसूस होता है हर टाइम। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो हमें रिएक्शंस देते हैं, हमें खुद को हमारे डे टू डे लाइफ में हमें पता नहीं होता है, पर हम उसको खाते रहते हैं और फिर ऐसा महसूस होता रहता है। तो ज्यादातर अगर जिनको ऐसी प्रॉब्लम है तो उन्हें चना, छोले, स्प्राउट्स ये सबको अवॉइड करना है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध से बनी चीजें, पनीर, इसको भी आपको कम मात्रा में लेना है। ये सब चीजों से ज्यादा हमारे बॉडी में गैस बनता है और जिसकी वजह से आपको भारीपन सा महसूस होता है और आपका पेट फूल जाता है। नेक्स्ट है कि 95% लोगों को ऐसी बुरी आदत होती है कि खाना खाने के साथ साथ ही वो पानी पीते हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल देखनी है, तो उसका एक है कि आपको खाना खाने के साथ कभी भी पानी पीना नहीं चाहिए। खाना खाने के पहले आधे घंटे के पहले आप पानी पी लीजिए, और जब भी खाना खा लेते हैं तभी भी आपको पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको एक गिलास पानी पीना है। ये सही तरीका है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसी के साथ हमारी लाइफ स्टाइल इतनी मॉडर्न है, हम बिजी है, तो खराब का खाना बहुत ही लेट होता है। बहुत लोग के घर में मैंने देखा है 9:30 या फिर 10:30 तक भी हो जाता है खाना खाने। अभी वो रात की इतना हैवी अगर आप खाना खाएंगे इसमें, तो फिर डेफिनेटली आपको ये सब प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप लेट भी देखे पहले तो ट्राई करें कि लेट खाना ना खाएं। अगर फिर भी हो रहा है ऐसे तो रात का खाना एकदम लाइट रखिए, ज्यादा हैवी ना रखिए, और उसी के साथ खाना खाने के बाद आपको 10-15 मिनट का वॉक करना है। स्पाइसी मसालेदार फूड डेफिनेटली हमारे जबान को बहुत ही अच्छा लगता है, पर वो हमारे पेट को तकलीफ देता है ना, इसलिए जितना हो सके अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर जंक फूड, मसालेदार चीजों, ऑयली चीजों को अवॉइड करें। कारणों की बात कर ली हमने, पर सिम्टम्स क्या क्या है पेट फूलने के अलावा क्या क्या हो सकता है? आपको डकारे आएगी, फिर कमजोरी जैसा लगेगा, थकान लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, या फिर दस्त भी लग सकते हैं, और साथ ही आपका वजन भी कम होगा। अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा चल रहा है तो ये वजन पे भी आपको इफेक्ट करेगा, आपको खाना आपको शरीर को लगेगा नहीं। तो ये चीजें बहुत नॉर्मल नहीं है कि हाँ यार चलो डकारे आ रही है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, नहीं। आपको तो कंटिन्यूस बेसिस पे ये हो रहा है तो फिर आपको उसको सीरियसली लेना है, ध्यान देना है, और जो जो मैंने चीजें बताई उसको कम करना है या फिर अवॉइड करने की कोशिश करनी है, और ट्राई करना है कि फिजिकल की तरीके से यानी एक्सरसाइज खुद आपकी रूटीन में भी शामिल। फ्रेंड्स, हमने कारणों की जान लिए, सिम्टम्स की भी बात कर ली, पर अभी उपाय पे आते हैं कि भैया क्या करें, इसकी रेमेडी क्या है ये सब के लिए। पहले तो यही है कि आपकी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना है, 8 से 10 ग्लास दिन का पीना ही है। हाँ, पर पानी पीना भी वो सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर गलत तरीके से पिएगी तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम होगी। सही तरीके से पानी पीने पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, कभी पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा चाय, कॉफी है वो थोड़ा कम करिए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, और खाना चबा के खाइए, फटाफट नहीं खाइए, चबा के अच्छे से खाइए ताकि वो बॉडी को लगे, अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाए। अगर मेरी पर्सनल रेमेडी की बात करूँ जो मुझे बहुत इफेक्टिव हुआ है वो आपके साथ शेयर करूँ, तो है कि आपको क्या करना है, 1 चम्मच जितना अजवाइन, 1 चम्मच जितना सौंफ, और 1 चम्मच जितना जीरा, अगर आपको वजन भी कम करना है तो इसको भी डालना है। 1 गिलास पानी में तीनों को मिला के आपको भिगो के रखना है, और सुबह उठने के साथ इसको छान के पी लेना है। आपको थोड़े ही दिनों में देखने को मिलेगा कि आपके डकार, गैस सब बंद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये रेमेडी ट्राई करिए, और साथ ही जो मैंने डाइट के बारे में बताया है वो सब चीजों का ध्यान रखिए, और ध्यान खास दीजिए कि कौन सा फूड आपको ज्यादा ट्रिगर करता है, कभी आपको ज्यादा गैस बनता है तो वो चीज को ज्यादा अवॉइड करिए लेने के लिए, तो आपको बहुत हद तक राहत होगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करिए, अगर पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर कर दिए ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिले। और तब तक क्या करना है आपको, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, और मेरे वीडियो देखते रहिए।